सो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सेम कुछ स्टेप से फोटो एडिटिंग करके सिखाऊंगा, अपने फेस को स्मूथ करना सिखाऊंगा एंड वाइट करना सिखाऊंगा एंड अपने लिप्स को रेड करना सिखाऊंगा एंड बैकग्राउंड को कुछ स्टेप से मतलब डार्क ब्लैक करना सिखाऊंगा। और गाइस यहाँ पे देख लीजिए, ये नॉर्मल फोटो है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नॉर्मल फोटो है, तो देख लीजिए फेस कितना ज़्यादा बेकार है एंड यहाँ पे फेस मतलब बेकार है पूरी और लिप्स भी बेकार है और बैकग्राउंड भी बेकार है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके का फोटो को आप लोग इस तरीके से कैसे बना सकते हैं, मतलब पूरा फुल एच डी हाई क्वालिटी में जैसे मेरा फोटो बना है, ठीक है। तो फेस को स्मूथ करना एंड वाइट करना एंड लिप्स को रेड करना, मतलब कुछ स्टेप से बहुत ही आसान तरीके से एडिटिंग सिखाऊंगा। तो अगर आपको सीखना है तो आज का वीडियो आप लोग बिना स्किप करते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप लोग इस तरीके से फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग बहुत ही कम टाइम में सीख जाइएगा। और इससे पहले मेरे चैनल पर है तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सुनने का स्टार्ट। तो सिंपली आ जाएंगे नॉर्मल फोटो पे एंड गाइस सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे शेयर पे क्लिक, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट शेयर पे कर देंगे क्लिक और इस वाले फोटो को हम लोग सिंपली ओपन कर लेंगे स्नैपचैट ऐप के अंदर। तो जस्ट इस मेरे अपने फोटो को स्नैपचैट ऐप के अंदर लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे मॉर्निंग वाले ऑप्शन पे कर देना होगा क्लिक, यहाँ पे मॉर्निंग वाले ऑप्शन पे। तो आपके फोटो में वन क्लिक के अंदर कुछ स्टेप से लुक आ जाएगा एंड आप लोग क्या कीजिएगा, आप यहाँ से मतलब गई आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा सही फोटो को, ठीक है। तो मैं जस्ट नाउ कर लेता हूँ सही, ठीक है। फिर से क्या करेंगे हम लोग, फिर से यहाँ से टूल्स पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देख लीजिए मैं टूल्स पे कर दूंगा क्लिक, ठीक है। और सिंपली इसमें क्या करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली आ जाऊँगा यहाँ से मतलब ब्लैक एंड वाइट वाले ऑप्शन पे जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ब्लैक एंड वाइट पर कर दीजिएगा क्लिक एंड गाइस आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ पर मिलेगा एक डार्क का ऑप्शन, देख लीजिए डार्क का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डार्क को कर लीजिएगा सेलेक्ट और फोटो को यहाँ से मतलब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा सही, आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं फोटो को कर लीजिएगा सही। तो इस तरीके से हो जाएगा ब्लैक फोटो, पूरे तरीके से ब्लैक ही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली गाइस आपको आना होगा यहाँ से तीर वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो तीर वाले ऑप्शन पे आइएगा एंड गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आइएगा आप लोग यहाँ से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे, तो इस पर कर दीजिएगा क्लिक और आपको यहाँ पे मिलेगा एक ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन, तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा ब्लैक एंड व्हाइट पे एंड आप लोगों को ब्रश पे कर देना होगा क्लिक एंड गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पे कर देना होगा क्लिक। आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक। अब गाइस आपको करना क्या होगा, फोटो को कर देना होगा जूम एंड इस तरीके से आप अपने जो भी आपके फेस पर का ब्लैक पार्ट होगा आराम से आप लोग कर लीजिएगा इरेज। सो गाइस, तो आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मतलब जो भी मतलब फेस पर का जो भी मतलब ब्लैक पार्ट था मैं आराम से इसको कर लिया हूँ इरेज, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और थोड़ा सा इधर की तरफ बन चुका है तो मैं इसको भी कर लूँगा आराम से जूम करके और इसको आराम से कर लीजिएगा, आराम से घबराइएगा बिल्कुल भी मत घबराना है, ठीक है। एडिटिंग के टाइम बिल्कुल भी मत घबराइएगा और इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से कर देना होगा फोटो को सही, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए कर दीजिएगा सही। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, आपको बैक पर कर देना होगा क्लिक यहाँ पे, तो आप लोग बैक पे कर दीजिएगा क्लिक, इतना काम हो चुका है एंड गाइस कर लेंगे फोटो को हम लोग यहाँ से शेयर, ठीक है। तो मैं जस्ट नाउ फोटो को कर लेता हूँ शेयर अब, ठीक है, लाइटरूम ऐप के अंदर। सो गाइस, तो मैं अपने फोटो को सिंपली ओपन करूंगा लाइटरूम ऐप के अंदर। तो आप लोग बोलते हैं ना कि बस आप लाइटरूम ऐप के अंदर बहुत ही जल्दी जल्दी बताते हो जिससे मुझे समझ में नहीं आता है, तो गाइस आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे कर दूंगा एडिट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक, ठीक है, एक बार कर दीजिएगा क्लिक एंड गाइस अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा एक लाइट का ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस लाइट पे कर दीजिएगा क्लिक, ठीक है। आसानी समझाएंगे एंड आसान तरीके से बताएंगे, तो आपको हाइलाइटर को 100 कर देना होगा माइनस, ठीक है, शेडो को कर लीजिएगा 100 प्लस, ठीक है, और व्हाइट्स को कर लीजिएगा माइनस, मान लीजिए मैं 47 कर दूँ माइनस, और ब्लैक को भी कर लेंगे यहाँ से माइनस, मान लीजिए इसको भी कर लेंगे और टहतर के लिए माइनस, ठीक है। तो इतना काम करके और कंट्रास्ट को कर लेंगे 100 प्लस इस तरीके से। तो मतलब फेस जो होगा, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग फेस देख सकते हैं कुछ स्टेप से बन जाएगा, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड इस सब आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पर आपको एक मिलेगा कलर का ऑप्शन जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो कलर पे आप लोग कर दीजिएगा क्लिक, ठीक है, और इस वाले ऑप्शन को आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा ब्लस, मान लीजिए मैं 8 के करीब कर लेता हूँ। और मैं इस क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लिक, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कलर मतलब कलर मिक्स पे, ठीक है, तो कलर मिक्स पे आप लोग कर दीजिएगा क्लिक। अब आपको इस वाले टून पे कर दूंगा क्लिक, ठीक है, इस वाले टून पे जो आप लोग देख सकते हैं इस वाले टून पे कर देंगे क्लिक, ठीक है, और सिचुएशन को कर लेंगे माइनस, मान लीजिए मैं इस सिचुएशन को कर लेता हूँ 81 माइनस एंड लिमिनस को कर लेंगे प्लस, तो मैं लिमिनस को 43 प्लस
और ऐसे टर्न को 81 माइनस। और गाइस सब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस वाले टर्न पे आ जाएंगे, इस वाले टर्न पे आएंगे और इसका सेचुरेशन कर लेंगे माइनस। तो देख सकते हैं फोटो का लुक एंड फोटो का क्वालिटी आप लोग स्क्रीन पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फेस कितना ज़्यादा व्हाइट हो चुका है। और थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे रेड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे रेड वाले ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक और थोड़ा सा सेचुरेशन को कर लेंगे प्लस, ठीक है 40, और ह्यू को कर देंगे पूरा माइनस, कुछ माइनस, और लिमिनस को कर लेंगे पूरा 100 इस तरीके से। क्योंकि अगर इसको माइनस करेंगे तो देख लीजिए फेस पे जो है ना यहाँ पे आ रहा है रेड ढाबा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेड, मतलब रेड इफेक्ट पड़ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा 100 कर लेंगे तो हट जाएगा, और फोटो को आप लोग कर लीजिएगा सिंपली यहाँ से डन, ठीक है। तो मैं जस्ट नाउ कर लेता हूँ डन, ठीक है। एंड थोड़ा सा आपको करना क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा इफेक्ट पे कर देना होगा एक बार क्लिक, ठीक। तो मैं इफेक्ट पे कर दूंगा क्लिक और क्लियरिटी को कर दूंगा 100 प्लस, और इसके नीचे वाले ऑप्शन को कर लूंगा प्लस, ठीक है। मान लीजिए इसको भी कर लेता हूँ 27 प्लस, ठीक है। और सिंपली मैं कर दूंगा यहाँ से बिगनेट पे क्लिक, यहाँ पे बिगनेट पे कर देंगे एक बार क्लिक, ठीक है। और इसका अमाउंट को कर लेंगे माइनस, मान लीजिए मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, इसको 24 माइनस, इसको प्लस करते हैं तो फोटो के चारों तरफ व्हाइट आएगा, माइनस करेंगे तो ब्लैक आ जाएगा, तो ब्लैक अच्छा है। तो देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर फोटो को देखते थे, बिफोर एंड आफ्टर। तो अब आपको करने का होगा, फोटो को आप लोग सिंपली कर लीजिएगा सेव, ठीक है। तो मैं सेव कर लेता हूँ अपने फोटो वाले मॉडल को। सो गाइस, तो मेरा फोटो हो चुका है सेव, एंड गाइस हम लोग फोटो को सिंपली अप कर लेंगे शेयर। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एंड एक एक स्टेप, ठीक है। तो इसको वाले फोटो को हम लोग ओपन करेंगे इसके टू केप के अंदर। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं अब मतलब आपको एडिटिंग सिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में बन रही है। तो सबसे फर्स्ट तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कोने में आइएगा एंड इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल पर कर दीजिएगा क्लिक, और इस पर क्लिक करके और यहाँ से इसको हटा लीजिएगा। और क्या कीजिएगा, आपका फोटो यहीं पे शो करेगा, आप जिस फोटो को मतलब शेयर करेंगे तो इस वाले फोटो को कर लीजिएगा क्लिक, ठीक है। तो आपका इस आपका फोटो यहाँ पे करने लग जाएगा शो। तो सबसे फर्स्ट तो आपको सिखाएंगे यहाँ से फेस को करना स्मूथ। आप लोग देख सकते हैं कि फेस पे कितना ज़्यादा ब्लैक ढाबा है, आप लोग स्किन पे देख लीजिए, पिंपल एंड दाना भी आप लोग स्किन पे देख सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को एक ही साथ में रिमूव करना सिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आ जाना होगा आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आप लोग आ जाइएगा, और आप लोगों को करने का होगा सिंपली इस आप लोगों को यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे एक बार कर देना होगा क्लिक। आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, इस वाले ब्रश को आप लोग कर लीजिएगा सेलेक्ट, ठीक है। एंड गाइस अब आपको करने का होगा, आप लोग आइएगा सेटिंग वाले ऑप्शन पे। तो मैं जस्ट नाउ सेटिंग पे आ जाता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं स्किन का ऑप्शन, सॉरी इसमें अभी आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग घबराइएगा मत, ये स्मॉज वाले ऑप्शन को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, अगर ये सेलेक्ट होगा तो ठीक होगा, देख लीजिए यहाँ पे मेरा सेलेक्ट है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सेलेक्ट होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको कर लीजिएगा सेलेक्ट। मैं जस्ट नाउ कर लिया हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं फॉलो को कर लीजिएगा 5, इस टेन को कर लीजिएगा 6, इस दोनों को सेम, एंड इस जो इसका मतलब साइज है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं इसको 64 करके और मैं कट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं अपने फोटो को कर लूंगा जूम, एंड इस तरीके से मैं अपने लिप्स के ऊपर थोड़ा सा साइज को कर लेंगे प्लस, और थोड़ा सा आराम से यहीं पे कर लेंगे हम लोग अप्लाई, जिससे हमारा फेस होने लग जाएगा स्मूथ, ठीक है। आप लोग बोलते हैं ना कि फेस स्मूथ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करने को मिलता है, लेकिन आप लोग इस वाले ब्रश का यूज करके और करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, मेरा गारंटी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि फेस कितना बेस्ट स्मूथ हो रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि फेस को स्मूथ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है स्पेस पे, लेकिन मैं आप लोगों को आज इतना बेस्ट क्वालिटी में सिखाया हूँ स्मूथ करना फेस को, जो आप मेरे स्किन पे देख पा रहे होंगे फेस कितना ज़्यादा स्मूथ अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको करके सिखा देते हैं, आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। देख लीजिए इतना सारा पिंपल और दाना है ना, इसको एक साथ में इरेज करके सिखाएंगे, तो इसको एक साथ में इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो सारा चीज़ है आप लोगों के साथ क्लियरली बताएंगे एंड स्मूथ करके, एंड जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे। तो देख लीजिए पिंपल एंड दाना जो भी है कितना बेस्ट स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते इसी चीज़ को लेकर मैं, लेकिन आप लोगों को इसी चीज़ को मेंटेनेंस करने के लिए सिखा रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कितना बेस्ट क्वालिटी में मेरा फेस स्मूथ हो रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं।
सो गाइस तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कि फेस कितना ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे आप लोग स्किन पे देख सकते हैं। व्हाइट मैं कर लिया हूँ जैसे आप मेरे स्किन पे देख पा रहे होंगे। और मैं अब आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने लिप्स को कर सकते हैं रेड। तो इसके लिए सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, लेयर वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक। तो मैं जस्ट नाउ कर देता हूँ क्लिक और मैं जस्ट नाउ यहाँ पे करूँगा प्लस पे क्लिक, ठीक है। तो मैं जस्ट नाउ अभी कर लेता हूँ और यहाँ पे किन्नीलर आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। तो इस पर आराम से कर दीजिए क्लिक एंड इस आपको यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे एक बार कर देना होगा क्लिक। तो मैं जस्ट नाउ इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली कर दूंगा गाइस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे सॉफ्टलाइट को कर दूंगा सेलेक्ट, ठीक है। आप भी कीजिएगा, घबराइए मत, देखते रहिए वीडियो को। यहाँ पे कर दीजिएगा इसको सेलेक्ट और कट कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा। अब आपको ऊपर ब्रश पे आ जाना होगा और लाइब्रेरी पे आइएगा, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना होगा, इस वाले ब्रश को आप लोग आराम से ले लीजिएगा। जस्ट नाउ देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले ब्रश को आप लोग आराम से ले लीजिएगा, घबराइएगा मत, ठीक है। तो मैं जस्ट नाउ इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये नॉर्मल मतलब ये ब्रश है, ठीक है। तो मैं इसको ले लिया हूँ, ठीक है। और मैं अब सेटिंग पे आ जाऊँगा तो इसका ऑपसिटी है पूरा 100 कर लेंगे। जो इसका साइज मैं 26 करूँगा तो देख सकते हैं ऑपसिटी को 100 रखना है एंड साइज को 26-25 रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और कट कर देगा और ऊपर कलर्स पे आइएगा। कलर पे आने के बाद यहाँ से पूछता है कि आप अपने लिप्स का कलर आप कौन सा रखना चाहते हैं। मैं सिंपली ये वाला रखना चाहता हूँ, ये वाला, ठीक है। और मैं कट कर देता हूँ। तो मैं फोटो को अब जूम करूँगा एंड इस तरीके से लिप्स के ऊपर कर दूँगा कलर्स को अप्लाई, जिससे फोटो बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है एंड दिखने में जो फारू सा फोटो लगता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है एंड वीडियो में जो भी चीज़ आपको बताएंगे बहुत आसान तरीके से बताएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, सब कुछ सिखा देंगे एंड बता देंगे। और आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे फास्ट करके मैं बताता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए आज कितना आपको स्लो बता रहा हूँ। तो गाइस आप लोग देखते हैं कि ये फोटो बन के रेडी हो चुका है एंड गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समझ में, फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए गाइस इतना ही।